I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Yeah, so hi everyone, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टेप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। तो यार, हमारी जो पहली एमसीए कॉलेज की रिव्यू सीरीज थी उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम चलते हैं हमारी फोर्थ नंबर की एनआईटी, थर्ड नंबर भी कुछ लोग इसको कंसीडर करते हैं, एनआईटी कैलिकट फॉर एमसीए के ऊपर। तो एनआईटी कैलिकट मेरा ही कॉलेज है। तो यार, मैं आप सबको इस कॉलेज के सारे इनसाइट्स बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि क्या रहती है इसकी फीस, क्या रहती है इसकी प्लेसमेंट्स, कैसा रहता है कॉलेज का एनवायरमेंट। जो एनआईटी कैलिकट है हमारा, वो सबसे ज्यादा मशहूर है इसकी एकेडमिक इंटीग्रिटी के लिए और इसकी वजह सीएससी डिपार्टमेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप करता हूँ आपने स्टार्टिंग में जो हमारा प्रमोशन वाला बैनर था एनआईटी कैलिकट का, वो जरूर देखा होगा और वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी वो प्रमोशन वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो से और देखते हैं भैया एनआईटी कैलिकट में क्या क्या एक्सप्लोर करने को है। और अब आपकी जो निमसेट रैंकिंग है, आपको बहुत जल्दी चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी, तो आपको एनआईटी कैलिकट को किस पोजीशन पे रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हाई जोश के साथ इस वीडियो को। सो राइट गाइस, अगर मैं स्टैट्स और रैंकिंग की बात करूं तो एनआईटी कैलिकट बहुत ही ज्यादा रिप्यूटेड एनआईटीज में आता है। अगर भैया इसके एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो इसके एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो भैया 23 है। एस्टैब्लिश हुआ था ये कॉलेज 1961 के अंदर और इसका 300 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस है। जी हाँ, लश ग्रीन कैंपस है क्योंकि भैया यहाँ पे बहुत बारिश आती है और कैंपस बहुत ज्यादा सुंदर है। इवन अभी मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कैंपस को विजिट करने के लिए। अभी मैं विजिट नहीं कर पाया हूँ पर यहाँ पे कुछ फोटोज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कैंपस की, जो मैंने सीनियर से ली हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी रहे हैं, तो भाई उन्होंने कुछ फोटो शेयर करी हैं। तो बहुत ज्यादा सुंदर हॉस्टल, बहुत ही ज्यादा सुंदर कैंपस, 300 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस है और बहुत ज्यादा सुंदर कैंपस है और आर्किटेक्चर यहाँ का बहुत अच्छा हुआ है। राइट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कनेक्टिविटी के ऊपर। तो अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो हमारा नेशनल नियरेस्ट सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोझिकोड का कारीपुर एयरपोर्ट, वो 45 किलोमीटर दूर है। तो इस एयरपोर्ट से आपको भैया आने के लिए कॉलेज जो बसेस होती है, पेड बसेस सर्विस चलती है जो गवर्नमेंट चलाती है केरला की, आपको वो वाली बसेस मिल जाती है या फिर आप लोग कैब करके, शेयरिंग कैब करके भी यहाँ तक कॉलेज तक बहुत ईजी आ सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ कोझिकोड रेलवे स्टेशन से, तो कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर भैया जितनी भी बड़ी हमारी मेजर ट्रेन है वो सारी आती है। राजधानी एक्सप्रेस अगर जो मैं बात करूँ तो वो आपको हर जगह दिल्ली से लेके किसी भी जगह से कोझिकोड स्टेशन से कनेक्ट करती है और कोझिकोड स्टेशन पर रुकती भी है। तो बहुत लोगों को डाउट रहता है कि भैया ट्रेन रुकती है नहीं रुकती है, तो 22 किलोमीटर वहाँ से भैया डिस्टेंस है कॉलेज का और आप बहुत इजीली भैया लोकल बसेस से और कैब्स करके या भैया शेयरिंग रिक्शास करके पहुँच सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि लोग सोचते हैं कि भाई साउथ का कॉलेज है तो एक लैंग्वेज बैरियर आएगा, तो ऐसा नहीं है कि भैया वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होने के साथ साथ भैया जो वहाँ के रिक्शा पुलर्स हैं या जो वो लोग भी हैं वो भी इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप बोले आपको उनसे कम्युनिकेट करना होता है तो आप बहुत इजीली कम्युनिकेट कर लेते हो और बाकी सारे भैया जो छोटे छोटे लोग हैं ऑटो वाले भी, इवन वो भी डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो उन सबके पास पेटीएम होता है। तो आप बहुत इजीली, मतलब कोई भी आपको कहीं भी जाना है तो बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हो, आप पेटीएम करके वहाँ पे बहुत इजीली काम चला सकते हो। ठीक है, तो लैंग्वेज वहाँ पे बिल्कुल बैरियर नहीं बनती है। फिर अगर मैं बात करूँ हमारे सीएससी डिपार्टमेंट की, तो ये सीएससी डिपार्टमेंट की एक लुक है, बहुत ही सुंदर कैंपस है हमारा। तो अलग अलग रोड्स कनेक्ट करती हैं सारे कैंपस को, कैंपस के अंदर ही। तो भाई जितने भी रोड्स हैं दोनों के लेफ्ट साइड भी पेड़ होते हैं, राइट साइड भी पेड़ होते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस मिलता है जब तुम उसके अंदर से ट्रैवल करते हो। तो ये हमारा इस तरह से सीएससी डिपार्टमेंट कुछ दिखता है। सीएससी डिपार्टमेंट में हमारा बीटेक, एमटेक, एमसीए सारे कोर्सेज इन हैंड चलते हैं, बीटेक, एमटेक, एमसीए और इवन पीएचडी भी हमारे साथ में चलता है। तो भैया सारे जो सीएससी डिपार्टमेंट के कोर्स हैं सारे सीएससी डिपार्टमेंट में होते हैं। इवन भैया एमसीए कोर्सेज की कुछ कुछ जेनरिक इलेक्टिव की क्लासेस बीटेक के स्टूडेंट्स के साथ भी होती हैं, तो बहुत ही एक अच्छा मजेदार सिनेरियो रहता है। मतलब वहाँ पे तुम लोग इंटरेक्ट कर पाते हो बीटेक वालों से भी, उनकी भी डेवलपमेंट समझ पाते हो, अपनी भी डेवलपमेंट बता पाते हो, तो बहुत ही एक बढ़िया चीज आपको लगती है जब आप इस कैंपस में पहुंच जाते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स की, जो कि भैया बहुत सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न रहेगा, तो सीट मैट्रिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एमसीए के लिए जनरल कैटेगरी की 22 सीट्स अवेलेबल हैं, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 15 सीट्स हैं हमारी, एससी कैटेगरी के अंदर 8 सीट्स और एसटी कैटेगरी के अंदर 4 सीट्स हैं।
अगर मैं इसकी स्टार्टिंग रैंक्स की बात करूँ कि भैया इसकी कट ऑफ क्या रहती है, तो भैया 220 से आपको या 210 से आपको भैया मिलना स्टार्ट होता है जनरल कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के अंदर अगर आपकी 210 के अंदर रैंक है, तो 210 से लेकर 260 तक रैंक अगर आपकी है, तो आपको ओपन कैटेगरी के अंदर NIT कैलीगढ़ में सीट मिल सकती है। यही मैं इसमें बात करूँ EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी के लिए भैया ये जो सीट रैंक होते हैं 280 तक भी चली जाती हैं, 280 से 290 तक। और यही बात कर लूँ मैं OBC कैटेगरी की, तो भैया ये 340 तक भी चली जाती हैं। तो अगर आपकी भैया इतनी रैंक आ रही है या आपको लग रहा है कि मेरे इतने एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, तो आप बहुत ही इजीली NIT कैलीगढ़ में एक अपनी सीट रिजर्व कर पाओगे। और बहुत ही अच्छा कैंपस है, साथ साथ भैया बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। अभी मैं आपसे बात करूंगा यहाँ के कॉलेज की एकेडमिक इंटीग्रिटी की। तो भैया NIT कैलीगढ़ जो है भैया ये एकेडमिक इंटीग्रिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। भैया यहाँ पे हमारे को जो इंडिविजुअल्स को डेवलप करना है वो ये नहीं है कि बस भाई पास करना है या सिर्फ ये करते रहो कि भैया अटेंडेंस थोप दो या वो करो। यहाँ पे भैया जो चेकिंग होती है वो भी नॉलेजेबल होती है। मतलब यहाँ के पेपर जैसे कहते हैं कि भैया थोड़े से जो अकेडमिक है बाकी सारी NIT से थोड़ा सा ज्यादा टफ है, पर ये जो टफ चीज है भैया यही तुम्हारे को स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो कहते हैं ना टफर यू आर द स्ट्रॉन्गर यू आर, तो यहाँ का एकेडमिक थोड़ा सा टफ है अगर हम बाकी NITs से कंपेयर करें, पर ये जो टफर चीज है यही आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती है, जो कि भैया आगे जाएगा आगे निकलेगा तो भैया वो आगे के जो और डिफिकल्ट चैलेंजेस आने वाले हैं उसको स्ट्रॉन्गली फेस कर पाएगा। तो यहाँ के एकेडमिक इंटीग्रिटी बहुत मतलब वो है कि भैया यहाँ पे चीटिंग्स करना या कुछ भी करना आप भैया इतनी आसानी से नहीं कर सकते। प्लेगरिज्म चेकर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तो बाकी जब आप कॉलेज आओगे तो हमसे इंटरेक्ट करोगे तो हम आपको सारा बताएंगे। एक साल का हमारा पूरा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है, और ऑनलाइन का एक्सपीरियंस भी अगर आपको देखना है तो मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बना रखी है कि भाई NIT कैलीगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस कैसी रहती हैं। हमारी क्लासेस भैया गूगल मीट पे या सिस्को गूगल मीट पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर या फिर जूम कॉल्स के ऊपर नहीं होती हैं। हमारा खुद का एजू सर्वर है, उस एजू सर्वर पे हमारा सिस्को का क्लाइंट है, हम उससे ही सारे टेस्ट देते हैं, उसी से हमारी सारी क्लासेस होती हैं। अगर आपको उसका एक्सपीरियंस देखना है तो भैया मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा कि NIT कैलीगढ़ में ऑनलाइन क्लासेस किस तरह से चलती हैं, तो वो आपको एक बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह से हम लोग क्लासेस के साथ साथ अपनी हॉबीज के लिए या अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए भी टाइम मैनेज कर पाते हैं। राइट, इसके बाद अब हम चलते हैं फीस के ऊपर। तो ये आपके पास भैया फीस स्ट्रक्चर दे रखा है, हमारे पास दो सेमेस्टर्स होते हैं यहाँ पे, जनरली उसको डिवाइड किया जाता है मॉनसून सेमेस्टर में, ये हमारे भैया और सेमेस्टर्स होते हैं, और भाई दूसरा होता है विंटर सेमेस्टर्स। विंटर सेमेस्टर जो होते हैं ये हमारे इवन सेमेस्टर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ट्यूशन फी की, तो ट्यूशन फीस की भैया 3500 है, उसके बाद ये बाकी सारे कुछ कुछ चार्जेस लगते हैं, और ये भैया आपकी टोटल फीस पड़ जाती है NIT कैलीकट के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि है 45230, इतनी हमने फीस पे करी है। और यही पे अगर आप SC कैटेगरी के स्टूडेंट हो या ST कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आपको भैया ट्यूशन फी जो होती है ये माफ हो जाती है, तो आपको ट्यूशन फी नहीं भरनी होती है। बाकी जितने भी चार्जेस होते हैं ट्यूशन फी को हटा के, जो जितने भी चार्जेस आपको दिखे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं चार्जेस को बाकी कैंडिडेट्स को पे करना पड़ता है। उसके बाद विंटर सेमेस्टर की बात करें, तो विंटर सेमेस्टर के अंदर इसकी अप्रॉक्स फीस जो होती है वो 37,000 के अंदर होती है। ये आपको पूरे स्टैट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। बाकी लोन प्रोसेस बहुत ही इजी है, लोन लेना आपको अगर लोन लेना होता है तो लोन का मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं, बाकी तो जब आप कॉलेज को ज्वाइन करोगे तो हम आपको पूरी तरह से गाइड कर ही देंगे। हमारे यहाँ पे एक SAC होता है, तो आपको पूरा हेल्प करता है, स्टूडेंट असिस्टेंट सेल है ये, पूरा आपको हेल्प करता है कि भाई कैसे आपको लोन लेना है या क्या करना है। बाकी आपको लोन के लिए ऐसा होता है कि जैसे आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के बाद आपको भैया अपना एडमिशन लेटर मिल जाता है कि भैया आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, उसके बेसिस पे आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जो कि कॉलेज आपको इशू कर देता है कि भैया ये तुम्हारा बोनाफाइड सर्टिफिकेट है कि तुम हमारे स्टूडेंट हो, तुमने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है। फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट को दिखा के आप लोग किसी भी बैंक के अंदर लोन ले सकते हो, चाहे फिर वो आपके घर के आसपास का होम स्टेट आपकी होम स्टेट का बैंक हो, या फिर आप NIT कैलीकट के कैंपस में भी SBI की ब्रांच है तो आप उसके SBI की ब्रांच से भी लोन इशू करवा सकते हो। तो आई गेस फीस और एक सीट मैट्रिक्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल कवर करी है, और आपको एक चीज समझाना जो मैं चाह रहा था वो आपको क्लियर हो रही होगी इससे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और ये सारी चीजें आप चाहते हो कि भैया मैं और कॉलेजेस के लिए भी करूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और कौन से कॉलेजेस का आपको ऐसे डिटेल MCU के लिए रिव्यू चाहिए जिसमें मैं फीस प्लेसमेंट और सब चीजें डिस्कस करूँ, तो उस कॉलेज का आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिख के जाना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया लाइब्रेरी के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया कैलीगट के अंदर हर फैसिलिटी के ऊपर बहुत ही सारे मतलब पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं हर साल, बहुत सारे पैसे सिर्फ स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर खर्च होते हैं, बहुत सारे पैसे रिसर्च वर्क के ऊपर खर्च होते हैं। यहाँ की भैया बहुत ही बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है और बेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी है। यहाँ पे ई रिसोर्सेज आपको ऑल इंडिया के अंदर, आप मतलब पूरे वर्ल्ड से, इंडिया के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पूरे वर्ल्ड के आपको रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। आपको जो भी जर्नल्स पढ़ने हैं या कुछ पढ़ने हैं जो पेड भी हैं, वो फैसिलिटीज भी आपको फ्री मिल जाएंगी। साथ ही साथ भैया 24/7 फुल्ली एयर कंडीशन स्टडी रूम है, तो आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ कुछ कुछ स्पेसिफिक हमारी जो नेशनल हॉलीडेज होती हैं उसके ऊपर ही बंद रहता है, बाकी हर टाइम किसी संडे को भी पूरा दिन खुला रहता है। तो जिन बच्चों को लगता है कि यार हॉस्टल में पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सिर्फ मस्ती वस्ती करते रहते हैं,
चाहे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पढ़ाई का, तो वो जाके जरूर भैया स्टडी रूम्स में बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एसीज भी अवेलेबल, एसी भी होता है, साथ ही साथ लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से उनको पिक करके उनको यूज भी कर सकते हैं अगर आप अपना पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर कैरी नहीं कर रहे होते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं कैंटीन और मेस की। तो यार मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि भैया नॉर्थ इंडिया वालों को लगता है कि अगर हम साउथ के कॉलेज में जाएंगे तो क्या हमारे को सिर्फ इडली और डोसा ही खाने को मिलने वाला है, तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है एनआईटी कैलिकट के केस में। तो यहाँ पे 7 मेसेज हैं, टोटल 7 मेस हैं। इन 7 मेस में से भैया आपको 7 मेस के अंदर जो जो ऑप्शन मिलते हैं वो ये है कि भैया नॉर्थ इंडियन मेस, नॉर्थ इंडियन वेज मेस, मतलब कि भैया यहाँ पे आपको सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिलेगा। एक नॉर्थ इंडिया की नॉन वेज मेस, यहाँ पे भैया आपको नॉर्थ इंडियन में नॉन वेज फूड मिलेगा। फिर एक साउथ इंडिया की अलग मेस है, फिर एक साउथ इंडियन की नॉन वेज मेस अलग है, फिर एक कॉन्टिनेंटल मेस भी है जिसमें आपको कॉन्टिनेंटल फूड मिलेगा, क्योंकि भैया बाहर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो आपको भैया खाने पीने की पूरी मौज रहेगी। खाने पीने में भैया आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको खाने पीने की दिक्कत है, तो भैया बहुत सारी कैंटीन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे नाइट कैंटीन्स भी होती है कि भैया आप रात को जाकर फ्रेंड्स के साथ मैगी वैगी खा रहे हो, जैमिंग सेशन कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें उस तरह की भी अवेलेबल होती हैं। अमूल पार्लर भी अवेलेबल है, तो आप जाके अमूल का भी अगर आपको कुछ चाहिए या सामान चाहिए या नेस्कैफे भी है तो आपको कुछ भी चाहिए, तो आपको पेड सर्विसेज भी आपको इजीली एक्सेसिबल होती हैं। बाकी अगर आपको डोमिनोज का पिज्जा या कुछ और मिस कर रहे हो तो वो थोड़ा सा बाहर निकल के आपको सिटी के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, जितने भी आपके बड़े बड़े मेजर जाइंट्स होते हैं। तो खाने पीने की आपकी पूरी मौज रहने वाली है, खाने पीने के अंदर बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। उसके बाद अगर हम चले फैकल्टी एंड रिसर्च वर्क पे, तो फैकल्टी मैंने जैसे आपको बताया कि भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैकल्टी है, एक एक चीज़ पे या एक एक बच्चे के ऊपर, मतलब मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन क्लासेस मैंने यहाँ खुद अटेंड करी है, तो एक एक बच्चे पे हमारा भैया ध्यान दिया जाता है कि एक एक बच्चे को चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से एकेडमिक इंटीग्रिटी फॉलो होती है। अगर हमारे भैया प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं तो वो भी जो वन वन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ हुए, मतलब कि एक एक बच्चा बैठा हुआ था ऑनलाइन गूगल मीट पे हुए हैं, तो उसमें भी हमारे को भैया पूरा हेल्प मिला है कि हमारे को समझ आया कि हाँ ये चीज़ कैसे हो रही है या हमारे को कैसे वर्क करने को मिल रहा है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं जो आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मिलेंगे और एक लोअर लेवल की यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे। बाकी देखो पढ़ाई तो सबको खुद से ही करनी होती है, सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ है ही नहीं। बाकी पढ़ना तो हमारे को खुद से ही होता है, पर अगर हमारे को अपनी पढ़ाई के साथ कुछ थोड़ी सी और फैसिलिटीज अच्छी मिल जाए तो भैया उसका तो फिर सोने पे सुहागा होने वाली बात है। तो अगर मैं बात करूँ फैकल्टी एंड रिसर्च वर्क की, तो 85% ऑफ द फैकल्टी एट एनआईसीटी होल्ड्स अ पीएचडी डिग्री। फैकल्टी स्टूडेंट रेशो 1:15 है, मतलब हर 15 स्टूडेंट्स के ऊपर एक फैकल्टी अवेलेबल है हमारे सीएससी डिपार्टमेंट में भी। तो आपको भैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि गाइडेंस की कमी होगी, आपको जितना गाइडेंस चाहिए उतना गाइडेंस मिलेगा। रिसर्च पेपर करने हैं, कुछ और करना है, तो आपको हर चीज मिलेगी, ठीक है। उसके बाद रेस 13+ crore इन स्पॉन्सर्ड रिसर्च फंड, तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों के ऊपर इतने पैसे खर्च हमेशा किए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर की, तो यार ये हमारा फुल्ली कांच की बिल्डिंग है, इसको देखते ही भैया सबसे पहली झलक में इसको देखते ही प्यार हो जाता है। ये हमारा सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर है, यहाँ पे जितना भी कंप्यूटर रिलेटेड काम होता है, कोई जितने भी हमारे क्लब्स हैं यहाँ से सारे ऑपरेट करते हैं। ये भी एक 24/7 कंप्यूटर फैसिलिटी है, हाई फाइबर ऑप्टिकल केबल्स इसमें लगी हुई हैं, तो आपको इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही सुंदर सेंटर है ये। अब तो बस मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को भी और एक्साइटमेंट होती जा रही है कि भाई कब कॉलेज खुलेंगे, कब जाने को मिलेगा। और अब तो 2020 वाले सीनियर्स भी और 2021 वाले आने वाले हमारे जूनियर्स भी, हम लोग साथ ही में कॉलेज जा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हॉस्टल्स की। अभी जस्ट रिसेंटली एनआईटी कैलिकट ने एक हॉस्टल भी लॉन्च करा है अपना, एनआईटी कैलिकट का जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, बहुत बड़ा मेगा हॉस्टल है जिसको लॉन्च करा गया है। तो होप करते हैं यार अब तो जूनियर्स और सीनियर्स मतलब साथ में ही एक ही हॉस्टल में रहने वाले होंगे, तो अगर साथ में रहेंगे तो यार और अच्छा इंट्रैक्शन होगा और हम लोग बातें कर पाएंगे। बाकी बहुत ही नीट एंड क्लीन हॉस्टल्स हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए हॉस्टल्स हैं। वो तो भाई बब लड़के ऐसे रहते हैं भैया हॉस्टल में कि रूम को गंदा कर देते हैं, बाकी हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और ऐसे कई कई आपने कुछ कुछ वीडियोस में सुना होगा या कुछ कुछ जगह पर देखा होगा कि भैया 3 रूम के अंदर 4 लोगों को ठूसा हुआ है, तो भैया वो सारी मेस है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सीनियर से भी बात करी है, सबसे पूछा है, तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि भैया आप तुम्हारे को 3 सीटर रूम के अंदर 4 बच्चों को ठूस देंगे। बिल्कुल हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है और बहुत ही भैया आपको ईजी रूम होते हैं। अगर एमसीए की बात करूँ तो एमसीए में भैया 2 रूम शेयरिंग के होते हैं, मतलब एक रूम के अंदर 2 स्टूडेंट्स रहते हैं। अगर आपको पर्सनल रूम चाहिए तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा देके अपना पर्सनल रूम में मिल जाता है, तो एक रूम में 2 स्टूडेंट्स होते हैं। और अगर आपको पर्सनल रूम चाहिए तो आपको 5,000 ऐड करके एक पर्सनल रूम भी मिल जाता है। बाकी सारे हॉस्टल्स के अंदर खुद के अटैच जिम्स हैं, अटैच जिम्स आपको मिल जाते हैं। आपको भैया टेबल टेनिस की टेबल्स मिल जाती हैं, आपको टेनिस कोर्ट्स मिल जाते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट्स मिल जाते हैं, और आपको हर हॉस्टल के आसपास ही आपको ग्राउंड मिल जाता है, तो आप वहाँ पे खेल सकते हो। और सुबह सुबह भैया उठ के जो मतलब फ्रेश एयर में घूमने का मजा आएगा, जैसे मैंने आपको बताया लस ग्रीन कैंपस है, तो भैया पूरा कैंपस हरा भरा है, तो वहाँ पे भैया सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने का भी एक अलग ही मजा आता है, राइट। उसके बाद हम लोग बात कर ले नियरेस्ट बीच की, तो इसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। जैसे सूरत के लिए रहते हैं कि भैया कॉलेज के पीछे बीच है, तो एनआईटी कैलिकट का भी जो बीच है वो सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। हार्डली आपको 15-20 मिनट का टाइम लगता है कॉलेज से बीच पहुंचने के लिए, और यहाँ पे भैया आप लोग स्कूटी रेंटल्स ले सकते हो, मतलब स्कूटी रेंट कर सकते हो,
कुछ 300 रुपए पर डे की स्कूटी रेंटल्स होते हैं, तो आप भैया स्कूटी रेंट पे लेके अपने फ्रेंड्स के साथ निकल सकते हो, बीच जाके घूम सकते हो, आसपास और भी बहुत सारी जगह आप वहां पे जाके उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह का कुछ सिनेरियो रहता है तो ऐसे भी आप बाइक रेंट कर सकते हो, स्कूटी रेंट कर सकते हो, और जब भी भैया आपको फ्री टाइम मिले तो आप कैंपस से बाहर निकल सकते हो। वैसे तो कैंपस इतना अच्छा है, इतना लग्ज ग्रीन है कि आप कैंपस ही घूमोगे तो उसी में मजा आ जाएगा, पर बाहर भी आप निकल के घूम सकते हो, तो डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होना। जिनको लगता है सूरत का हमारे को नहीं मिल पाया, तो NIT कैलीकट में भी बहुत सुंदर बीच है और बहुत मजा आता है यहाँ पे घूमने में भी। फिर हम चलते हैं प्लेसमेंट्स पे। तो भैया प्लेसमेंट्स NIT कैलीकट की बहुत ज्यादा अच्छी है। प्लेसमेंट से पहले मैं बता दूं आपको इंटर्नशिप्स के बारे में। तो भैया इंटर्नशिप्स के लिए हमारे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर मैं इसी साल की बात करूँ 2020 की, तो भैया JP मॉर्गन, उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन, गोल्डमैन सैक्स, SAP लैब्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज इंटर्नशिप्स के लिए भी विजिट कर चुकी हैं। भाई बाकी अब आपके ऊपर टैलेंट की बात है कि भाई आप में कितना टैलेंट है, आप इनके राउंड क्वालिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। बाकी भैया उसके अंदर फर्स्ट ईयर में जब आप लोग आओगे तो हम आपको पूरा तरह से गाइड करेंगे किस तरह से भाई आपको इंटर्नशिप को क्रैक करना है। हमारे पास पूरे खुद के एक्सपीरियंस है, पूरी इंटरव्यू डायरीज की हमारे पास एक ट्रैकर बना हुआ है कि भैया किस किस तरह की कौन सी कंपनी में कितने इंटरव्यू होते हैं, कैसे राउंड होते हैं। पर वो थोड़ा सा जो डाटा होता है वो एक्सक्लूसिव रहता है, तो भैया जो NIT कैलेट के स्टूडेंट्स आएंगे तो उन्हीं को वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो भैया एवरेज प्लेसमेंट जाकि 6 to 7 LPA रहती है, ये एवरेज प्लेसमेंट हो गई। सॉरी, ये है हमारी मिनिमम प्लेसमेंट, लेट मी करेक्ट माय वर्ड्स, ये हमारी मिनिमम प्लेसमेंट होती है कि 6 से 7 लाख LPA का आपको एवरेज मिनिमम पैकेज मिलता है। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो 9 से लेकर 11 लाख तक हमारी एवरेज प्लेसमेंट्स रहती हैं, और अगर मैं टॉप प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो 37 लाख LPA तक हमारी टॉप प्लेसमेंट्स आती हैं। ये जो डेटा है ये भैया मेरा डेटा है सिर्फ और सिर्फ MCA डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि भैया आपको बहुत सारी जगह पे आपको लगता है कि भैया हमारे को BTech डिपार्टमेंट का डेटा बता देते हैं, BTech में जो कंपनी आ जाते हैं वो बता देते हैं। तो जितनी भी कंपनीज आई हैं, JP मॉर्गन हो गई, कोऑर्डिनेशन हो गई, गोल्डमैन सैक्स हो गई, SAP लैब्स हो गई, अभी और भी कंपनीज आएंगी, शायद Amazon भी अभी आने वाली है, तो ये सारी जो कंपनीज हैं ये हमारे को MCA को भी अलाउ करती हैं। और ये जितने भी पैकेजेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, मिनिमम पैकेज, ये एवरेज पैकेज और टॉप पैकेज, ये सारे मैंने आपको MCA डिपार्टमेंट के पैकेजेस बताए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लूँ मेजर कंपनी सेट बेसिस, JP मॉर्गन एंड चेस, Amazon, Oracle, Cisco, Infosys, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, GSB आती है, और भी बहुत सारी कंपनीज हमारे को विजिट करती है कोऑर्डिनेशन, जिनका यहाँ पे नाम नहीं है क्योंकि तो मैंने कुछ फेमस कंपनीज आपको बता दी। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हमारे को विजिट करती है, कुछ छोटी भी होती हैं, और अब तो ऑनलाइन मोड होने की वजह से कुछ कुछ कंपनीज जो पहले कैंपस तक पहुँच नहीं पाती थी वो कंपनीज पे हायर कर रही है, क्योंकि फिर ऑनलाइन चक्कर के अंदर कंपनीज को विजिट करते हुए जैसे कंपनी को विजिट करना पड़ता था कैंपस में तो टाइम लगता था, उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, पर अब उनको ऑनलाइन ही बैठे बैठे वो रिमोटली हमारे इंटरव्यू सुन सकती हैं। तो कंपनीज जो इस बार आ रही हैं हमारे MCA डिपार्टमेंट के लिए तो वो भी भैया मैनीफोल्ड से बड़ी है, और NIT कैलिकट की रैंक बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी हुई है, तो कंपनीज आगे आने वाले टाइम में और भी अच्छी होंगी। और मेरे को लगता है हम सब जितने भी लोग हैं आगे जूनियर्स भी आएंगे और जो हमारे सीनियर्स भी हैं बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट लेकर निकलेंगे, और इवन सीनियर्स के भी अच्छी अच्छी कंपनी से प्लेसमेंट हुई भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्लब्स के अंदर तो मैं बेसिकली बहुत सारे क्लब्स हैं, 18+ क्लब्स अवेलेबल हैं, तो आपको जितने भी क्लब्स चाहिए मतलब जो सा भी क्लब तुम सोच सकते हो एक क्लब होना चाहिए कॉलेज में, वो सारे के सारे क्लब्स NIT कैलिकट में अवेलेबल हैं। तो CP हब की मैं बात कर लूँ तो भैया ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग हब है हमारी, इसमें हमारे को हर सैटरडे कुछ कुछ कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें पूरा कॉलेज आपस में कम्पीट करता है और एक रैंक लिस्ट बनती है, तो उससे यार एक तुम्हारे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का ना एक जोश बना रहता है कि हाँ यार मैं कॉम्पीट कर रहा हूँ अपने बच्चों में, तो मेरे को दिख रहा है भाई किसके कितने सही हो रहे हैं किसके कितने गलत हो रहे हैं, तो तुम्हारा और मन करता है आगे करने का। ऐसी भैया ये हमारा रोबोटिक्स क्लब है, फिर ये हमारा CSCA डिपार्टमेंट है, मैं भी इसका मेंबर हूँ, मेरे साथ में भैया नर्तकीन और मेरे जो बैटमेट हैं वो इसके मेंबर हैं, तो यहाँ पे BTech प्लस MCA भैया साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए काम करती है। हम बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मजा आता है उसके अंदर। अभी तो ऑनलाइन है तो इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया मुझे खुद भी, पर CSCA डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, इसके भी अलग से कोडिंग और इंटरव्यू राउंड्स होते हैं इसमें, अगर आपको आना होता है तो जब आप लोग आओगे तो उसका पूरा एक्सपीरियंस आपको बताया जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग चलते हैं फेस्ट के ऊपर, तो भैया फेस्ट दागम जो हमारा कल्चरल फेस्ट है,
और उसके बाद मैं बता दूं तो भैया हमारा खुद का डिपार्टमेंट एमसी डिपार्टमेंट का फेस्ट होता है नक्षत्र नाम का, उसको हम लोग पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जितने भी लोगों को रहते हैं हमारे को ऑर्गेनाइज करना है या कुछ ऐसे हमारे को अलग से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी है तो वो भी नक्षत्र को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे नक्षत्र की भी कुछ फोटो सभी आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होंगी। तो इस तरह से ये फेस्ट रहता है, बहुत ज्यादा मजे होते हैं। साथ ही साथ भैया यहाँ पे हम लोग जब कोई पोंगल का त्योहार आता है तो भैया तब हम लोग सारे लड़के धोती वोती पहनते हैं पूरा, भैया जैसे फॉर्मल अटायर होता है केरला साइड का, उस अटायर में आते हैं तो फोटोज क्लिक करते हैं। तो एक बहुत ही ज्यादा मतलब तुम्हारे को अलग कल्चर देखने को मिलता है अगर आप एक नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हो तो। बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के बच्चे तो इसलिए मूव भी करते हैं यहाँ पे, और कुछ बच्चों को ऐसे जो रहता है कि भैया लैंग्वेज बैरियर रहेगा, टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर से बता दूं कि भैया ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको हिंदी भी आ जाए, टीचर्स को भी हिंदी अंडरस्टैंड करते हैं पर वो चाहते हैं आप लोग इंग्लिश बोलो, क्योंकि भैया आपको बड़ी बड़ी एमएनसीज में जाना है तो आपकी एक हेजिटेशन खत्म होती है जब आप लोग इंग्लिश में कन्वर्स करते हो। तो मैं तो इसको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके चलता हूँ, इसको वीक पॉइंट लेके नहीं चलता। जैसे बच्चे बोलते हैं भैया इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी ऐसा होगा, तो इसको मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानता हूँ, क्योंकि भैया इससे हमारी ओवरऑल एक डेवलपमेंट हो रही है, राइट। उसके बाद अलग अदर फैसिलिटीज की मैं बात कर लूँ तो ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल अवेलेबल है, क्योंकि अभी भैया कोरोना के चक्कर में हम लोग एक्सेस कर नहीं पाएंगे, पर स्विमिंग साइज का ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल अवेलेबल है। और फैसिलिटीज की बात करूँ जैसे मैंने आपको बताया भैया बास्केटबॉल कोर्ट बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन बास्केटबॉल कोर्ट, जिसमें भैया लाइट्स भी लगी हुई है तो अगर आप रात को भी थके हुए हो, अगर पूरे दिन क्लासेस हो रही है तो आप रात को भी खेल सकते हो। क्रिकेट ग्राउंड है, ऐसी बहुत सारे ग्राउंड है, सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है, चार पांच अलग अलग ग्राउंड अवेलेबल है तो आप उसमें जाके खेल सकते हो, अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन कर सकते हो, तो आप मैचेस भी जा सकते हो। बहुत सारे इंटर एनआईटी मैचेस होते भी हैं, एनआईटी सूरत कल, एनआईटी इलाहाबाद, बहुत सारी जगह पे मतलब हमारी टीम्स जाती हैं। एनआईटी सूरत कल में थोड़े टाइम पहले एक फुटबॉल कंपटीशन हुआ था तो वहाँ पे भी एनआईटी कैलिकट गई थी, एनआईटी अगरतला भी आई थी, ऐसे बहुत सारी एनआईटीज इंटर एनआईटी मैचेस होते हैं तो वहाँ पे विजिट भी करते हैं। और अदर फैसिलिटीज की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया कि भैया जिमनेशियम है, जिमनेशियम भैया वुमेंस के लिए भी अलग से जिमनेशियम, उनका भी अच्छे से ध्यान रखा जाता है। बॉयज के लिए भी अटैच जिम्स भी हैं, ओपन जिम्स भी हैं, तो आपको जिस तरह का जिम ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत लोग फिटनेस फ्रीक रहते हैं और कॉलेज में आकर तो थोड़ा सा और रहता है कि भैया बॉडी शॉडी होनी चाहिए, तो जिम फैसिलिटी पूरी बहुत अच्छे से अवेलेबल है और सारी मशीन आपको अवेलेबल है, इवन आपको इंस्ट्रक्टर्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्नैप था, एक कॉलेज रिव्यू था एनआईटी कैलिकट के बारे में। तो मैं होप करता हूँ आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी, आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, इस तरह से हम आपके लिए एक एक कॉलेज का रिव्यू लेकर आ रहे हैं। और आपको कौन से कॉलेज के रिव्यूज चाहिए तो भैया हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। कॉलेज कंपैरिजन वीडियोस भी बहुत जल्दी आ रही होंगी कि आपको कौन से कॉलेज के बाद कौन सा कॉलेज एनरोल करना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप सबके लिए आने वाला है। किस तरह से हमारे को फर्स्ट सेमेस्टर में आके कोडिंग स्टार्ट करनी है उसके ऊपर बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियोज लेके आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। Most people take the easy road, then wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it, but me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's